मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा, जो कि एक लंबे समय से अपना घर परिवार चलाने के लिए एक बीके ढाबा नाम से बटाला रोड में है। इसके साथ साथ युवा पीढ़ी को नशा मुक्त रखने के लिए एक नशा विरोधी संगठन बनाया था, जिसमें नशे के विरोध में प्रचार करना। आज जो दीपावली का इस शुभ अवसर है, जिसमें पूरे देशवासी इसको खुशी मनाते हैं, सो इस खुशी के माहौल में हम पूरे देशवासियों को और पंजाब वासियों को, अमृतसर वासियों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही साथ जो आजकल गले का खराबी प्रदूषण के कारण, इसके लिए बहुत सारे लोग ग्रीन दिवाली मनाने के लिए बोल रहे हैं, सो हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादातर कोशिश करें कि ग्रीन दिवाली मनाएं। इससे बहुत सारे हमारे लोगों को फ़ायदा होंगे। एक तो कई बार छोटे छोटे बच्चे झुलसने की खबरें आती हैं, तो कई बार आगजनी वगैरह, आग वगैरह लग जाती है, चुरली वगैरह चलाते हैं तो उससे कई घरों में जा गिरती है, तो वहाँ आग लग जाती है, तो बहुत सारे इसके साथ नुकसान है। और जैसे पीछे कोरोना काल भी आया था तो गले की बीमारी आई थी, तो बहुत लोग पीड़ित हुए थे, कुछ लोग अपनी जान गवा बैठे थे, सो ये प्रदूषण के कारण ही था सारा। सो लोगों से अपील की करेंगे कि ग्रीन दिवाली मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लड़ियाँ चलाएं, दीपक जलाएं और घर में खुशी मनाएं, क्योंकि खुशी का माहौल है। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी वनवास यात्रा पूरी करने के बाद बुरी आत्माओं को, राक्षसों का वध करके फिर अपनी नगरी में पहुंचे थे, तो उनका स्वागत हुआ था। सो उस स्वागत को लेकर के देशवासी इस खुशी के माहौल को अपनाते हैं, सो आप भी अपनाइए। फिर हम अपनी तरफ से सभी देशवासियों को फिर बधाई देना चाहते हैं, और बधाई है आप लोगों को। और इसके साथ आप ग्रीन दिवाली मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद जी।